हेलो स्टूडेंट्स टुडे आवर टॉपिक इज इलनेस इलनेस एंड बिहेवियर तो आज हम देखते हैं कि इलनेस इलनेस के बारे में आज हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले देखते हैं कि इलनेस क्या होता है मतलब इलनेस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं जैसे कि इलनेस मतलब एक ऐसा टर्म नहीं है कि जिसमें हम बोल रहे हैं कि ये सिर्फ़ एक डिजीज़ सिर्फ कंडीशन है ठीक है तो उसको सिर्फ हम इ डिज़ीज़ कंडीशन को हम इलनेस नहीं बोल सकते इलनेस का मतलब ये होता है कि कि जो एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ होती है एक हेल्दी हो, स्टेट होती है उससे उससे मतलब एक इंडिविजुअल वो हट जाता है मतलब वो डेविएटेड हो जाता है अपनी नॉर्मल हेल्थी स्टेट से और उसके कारण उसको मतलब फ्रस्ट्रेशन होता है एंगजी होती है 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 है, ना या फिर denial, uh, होता है, मतलब उसके behavioral change, change भी उसमें आ जाते हैं। हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि illness की definition क्या है? जो कोजियर ने दी है अकॉर्डिंग टू कोजियर इलनेस इज ए कंडीशन कैरेक्टराइज ए डेविएशन फ्रॉम साइकोलॉजिकल सिम्टम्स ठीक है जिस एक अपनी, आ, मतलब जिसमें एक नॉर्मल हेल्थ स्टेट अपनी हो जाती है मतलब अपनी मतलब एक नॉर्मल हेल्थ विचलित होना या फिर अपनी आ, एक, लीक से हटना एक नॉर्मल हेल्थ का ठीक है जो कि किससे मैनिफेस्टेड होती है बाय फिजिकल और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स ठीक है जो कि जिसमें फिजिकल और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स उसमें दिखाई देते हैं एक और डेफिनेशन देखते हैं बाय पोटर एंड पेरी इलनेस इज ए स्टेट इन विच ए पर्सन फिजिकल इंटेलेक्चुअल इमोशनल सोशल और स्पिरिचुअल फंक्शनिंग इज डिमिनिस्ड और इम्पेयर इन कंपेरिजन विद द प्रीवियस एक्सपीरियंस मतलब इन एक ऐसी स्टेट है जिसके अंदर व्यक्ति का फिजिकल इंटेलेक्चुअल इमोशनल सोशल स्पिरिचुअल फंक्शनिंग क्या होती है डिमिनिस्ड हो जाती है या फिर इम्पेयर्ड हो जाती है ठीक है कंपेरिजन तो उसकी जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है मतलब जो उसकी प्रीवियस हेल्थ है उसके कंपेरिजन में उसकी ये सब फंक्शनिंग उसकी इम्पेयरड uh, हो जाती है अब देखते हैं कि कुछ वेरिएबल्स होते हैं जो इलेस जो कि इननेस बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं मतलब इनस बिहेवियर क्या होता है मतलब मतलब ऐसा ए, एक पेशेंट ऐसा एक्ट करे जिसमें मतलब उसमें डिजीज कंडीशन हो गई ठीक है उसके कारण एक पेशेंट ऐसा एक्ट करता है उसको बिहेवियर कहते हैं जिस जिसके अंदर क्या होते हैं उसकी जो मतलब वो, वो एक्सप्रेस करता है अपने सिम्टम्स को या फिर उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी चेंज हो जाती है ठीक है तो मतलब ये जो होता है ना ये इलनेस बिहेवियर होता है तो इस बिहेवियर को क्या क्या चीज़ अफेक्ट करती है वो हम देखते हैं तो इसके कुछ वेरिएबल्स होते हैं जो कि इलनेस के बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं तो ये दो तरह से होते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल वेरिएबल्स पहले देखते हम इंटरनल वेरिएबल तो इंटरनल वेरिएबल्स में ये तीन पार्ट में होते हैं फर्स्ट इज परसेप्शन ऑफ परसेप्शन ऑफ सिम्टम्स सेकंड नेचर ऑफ इलनेस एंड थर्ड है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन तो सबसे पहला देखते हैं परस, परसेप्शन ऑफ सिम्टम्स मतलब ये इंटरनल वेरिएबल्स का पहला टाइप परसेप्शन ऑफ सिम्टम्स इसमें क्या होता है कि इट इज़ द वे ऑफ द सिम्टम्स ऑफ इलनेस दैट इन्फ्लुएंस हेल्थ मतलब इसमें क्या होता है कि uh, जो सिम्टम्स होते हैं वो uh, उनको कैसे परसीव करते हैं मतलब एक ये एक ऐसा वे है जिसमें जो इलनेस के सिम्टम्स आएंगे जो इलनेस को अफेक्ट करते हैं तो वो वो कैसे एक इंडिविजुअल में आते हैं इसका मतलब ये है कि एक पर्सन जिसके अंदर इलनेस के जो सिम्टम्स आ रहे हैं उनको वो किस तरह से परसीव कर रहा है जैसे कि एक पर्सन है उसके अंदर मतलब जो इलनेस के सिम्टम्स आ रहे हैं वो उनको सीरियसली नहीं ले, लेता है ज्यादा ठीक है तो जिसके कारण क्या और सीरियसली नहीं ले नहीं लेता और एडिक्वेट ट्रीटमेंट लेता है ठीक है जिसके कारण क्या होता है वो जल्दी रिकवर हो जाता है लेकिन एक ऐसा पर्सन है जो सिम्टम्स को बहुत सीरियसली ले लेता है ठीक है और मतलब जो और मतलब जो ट्रीटमेंट है उसको भी एडिक्वेटली नहीं लेता है तो ऐसे में क्या होती है उसकी ऐसे ये कंडीशन उसकी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है

क्या होते हैं कि जो इलनेस की क्या नेचर है वो भी इलनेस के बिहेवियर को अफेक्ट करती है एज इन केस ऑफ एन एक्यूट इलनेस व्हेन द सीरियस टेकिंग ट्रीटमेंट मतलब इसमें क्या होता है कि मतलब एक केस में जैसे कि एक पर्सन है जो आ, जि, मतलब जिसमें किसी में एक्यूट इलनेस हुई है ठीक है तो वो पर्सन क्या होता है फटाफट ट्रीटमेंट उसका ले लेता है ठीक है और वो इफेक्टिव भी होता है लेकिन एक क्रोनिक इलनेस वाला केस है जिसके अंदर पेशेंट क्या होता है कि जो ट्रीटमेंट लेने में भी लेस एक्टिव है ठीक है अच्छे से वो ट्रीटमेंट भी नहीं ले रहा है केयर भी अच्छे से नहीं ले रहा है ठीक है और साथ में फ्रस्टेट भी हो रहा है ठीक है तो और उस, और उसके और जो त, जो उसको मतलब ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो भी कंप्लीट नहीं ले रहा है ठीक है तो ये ऐसे ही मतलब ये नेचर ऑफ इलनेस होता है जैसे एक्यूट इलनेस हो गया एक्यूट इलनेस में तो फटाफट वो ट्रीटमेंट भी ले लेगा और मतलब वो एक्टिव दिखाएगा अपनी इलनेस के लिए लेकिन क्रोनिक इलनेस में वैसे भी वो इतने लंबे टाइम तक बीमार रहता है तो वैसे भी वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और मतलब ट्रीटमेंट भी, भी वो अच्छे से नहीं ले पहले तो ले लेगा लेकिन बाद में वो ट्रीटमेंट लेने में मतलब थोड़ा आ, Uh, थोड़ा वो मतलब अनेबल होगा ट्रीटमेंट लेने में अब थर्ड है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पर्सन हाउ ए पर्सन रेस्पोंड टू इलनेस डिपेंड अपॉन द एडजस्टिंग कोपिंग एबिलिटी मतलब इसमें क्या होता है कि uh, एक पर्सन कैसे मतलब इलनेस के लिए रेस्पॉन्स करता है मतलब मतलब कैसे वो एडजस्ट कर पाता है एक इलनेस के लिए मतलब एक पर्सन है वो मतलब इलनेस के साथ में कैसा एडजस्टमेंट करता है कैसी उसकी कोपिंग एबिलिटी है मतलब की मान लो एक पर्सन है जैसे वो या तो इलनेस के साथ वेल well एडजस्टेड हो जाएगा या फिर वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा इलनेस के कारण ठीक है उसके बाद में देखते हैं एक्सटर्नल वेरिएबल एक्सटर्नल वेरिएबल्स क्या क्या होते हैं जो इलनेस बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं जैसे विजिबिलिटी ऑफ सिम्टम्स सोशल ग्रुप्स कल्चर एंड वैल्यू इकोनॉमिक वेरिएबल्स एसेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम तो सबसे पहला देखते हैं विजिबिलिटी ऑफ सिम्टम्स मतलब विजिबिलिटी ऑफ सिम्टम्स अफेक्ट बॉडी इमेज एज वेल एज बिहेवियर मतलब एक मतलब जो इलनेस के जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं वो सिम्टम्स मतलब बॉडी इमेज को अफेक्ट करते हैं और साथ में पेशेंट के बिहेवियर को भी अफेक्ट करते हैं मतलब जैसे एक पेशेंट है उसमें मानो कि डिजीज के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो उसको मेडिकल असिस्टेंट की पहले नीड होती है जबकि जिस क्लाइंट में सिम्टम्स नहीं दिखाई दे रहे हैं उसकी अपेक्षा जिसमें सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं उसको पहले मेडिकल असिस्टेंट वो लेना चाहेगा जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि एक पेशेंट है उसके उसको लिप अल्सर है ठीक है लिप्स पे अल्सर है तो वो पहले मतलब मेडिकल पे मतलब जो वो डॉक्टर के पास सबसे पहले जाके मतलब दिखाना चाहेगा लेकिन एक पर्सन है जिसके पास जिसको मान लो सोर थ्रोट है ठीक है तो वो तो फिर भी थोड़ा डिने कर देगा क्योंकि जो है जिसको लिप लिप अल्सर है लिप शोर है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है उसकी फिजिकल लुक में चेंज आ रहा है तो ऐसा वो नहीं चाहेगा कि उसकी फिजिकल लुक में चेंज हो तो इस वजह से क्या होता है कि वो मतलब पहले ट्रीटमेंट लेना चाहता है ठीक है सेकंड है सोशल ग्रुप सोशल ग्रुप में असिस्ट द क्लाइंट इन रिकॉग्नाइज द थ्रेट ऑफ इलनेस और सपोर्ट ऑफ डिनाइन ऑफ पोटेंशियल इलनेस द क्लाइंट रेस्पोंड पॉजिटिवली टू सोशल सपोर्ट मतलब इसका क्या मतलब जो सोशल ग्रुप है मतलब वो कैसे असिस्ट करते हैं पेशेंट को मतलब सोशल ग्रुप्स का कैसा बिहेवियर है क्लाइंट के साथ में कि वो उसकी इलनेस को सपोर्ट कर, कर रहे हैं या फिर डिनाइल कर रहे हैं मतलब ठीक है तो उसके साथ में मतलब तो पेशेंट का भी सोशल सपोर्ट के साथ में पॉजिटिव रेस्पॉन्स होता है थर्ड है कल्चर एंड वैल्यू कल्चर एंड वैल्यू टीज द क्लाइंट हाउ टू रिमेन हेल्थी एंड हाउ हाउगनाइज इलनेस मतलब कल्चर और वैल्यू ये पेशेंट को मतलब ये सिखाते हैं कि जैसे कैसे वो हेल्थी रह सकता है ठीक है और कैसे अपनी डिजीज को रिकॉग्नाइज़ कर सकता है और कैसे अपनी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट कर सकता है देन इकोनॉमिकल वेरिएबल इकोनॉमिक कंसिस्टेंट्स में डिले द ट्रीटमेंट और मे अलाउ क्लाइंट टू कैरी आउट डेली एक्टिविटी मतलब इकोनॉमिकल कंडीशन के कारण ट्रीटमेंट uh, में uh, या तो डिले होगा ठीक है या फिर Uh, मतलब क्या फिर इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी तो क्लाइंट मतलब चाहेगा कि उसकी डेली एक्टिविटी अच्छी हो ठीक है तो ये स्टडी हैव शो दैट पर्सन ऑफ लो इकोनॉमिक स्टेटस हैव क्रोनिक इलनेस मतलब ऐसा माना जाता है कि जिस पर्सन की लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है वो क्रोनिक इलनेस का शिकार होता है मतलब उसमें क्रोनिक इलनेस डेवलप होती है फिफ्थ in है एसेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज द प्रोक्सिमिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज हैज ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑन द इंडिविजुअल इन यूटिलाइजिंग द सेम मींस जो हेल्थ केयर सिस्टम्स हैं उनकी उन तक एक इंडिविजुअल की कितनी पहुंच है मतलब हेल्थ केयर सर्विसेज तक वो उसकी पहुंच कितनी जल्दी है जिसके कारण उस इंडिविजुअल की हेल्थ पे अफेक्ट पड़ पड़ता है क्योंकि वो उसको जल्दी से जल्दी हेल्थ केयर सर्विसेज मिल जाती है ठीक है तो इन सब के कारण इन सब के कारण क्या होता है ये ये जो वेरिएबल्स हैं ये सब जो हेल्थ इल, जो इलनेस के लिए पेशेंट की इलनेस के बिहेवियर में उसको उसमें चेंजेस लाते हैं या फिर जो इलनेस बिहेवियर उस पर अफेक्ट पड़ता है इन सब वेरिएबल्स की वजह से अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेज ऑफ इलनेस बिहेवियर अब देखते हैं कि जो इलनेस बिहेवियर है उसकी क्या क्या स्टेज है तो उसमें फाइव स्टेज बताई गई है फर्स्ट सिम्टम्स एक्सपीरियंस सेकेंड सिक्रोल थर्ड मेडिकल केयर कॉन्टेक्ट फिफ्थ फोर्थ डिपेंडेंट क्लाइंट केयर एंड फिफ्थ रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन तो फर्स्ट फर्स्ट स्टेज देखते हैं सिम्टम्स एक्सपीरियंस इन द फर्स्ट स्टेज पर्सन फील दैट समथिंग इज रॉन्ग बट ही इज नॉट एबल टू डाइग्नोज द प्रॉब्लम इसमें क्या होता है कि जब एक एक इंडिविजुअल में इलनेस डेवलप होती है ठीक है तो उसमें क्या होता है कि मतलब आ, उसको कुछ फील तो हो जाता है कि उसकी हेल्थ में कुछ गलत है मतलब कुछ गड़बड़ है उसकी हेल्थ में लेकिन वो डायग्नोस नहीं कर पाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है अभी ठीक है जैसे मतलब आ, और उसमें मतलब मान लो वो जैसे वो परसीव कर रहा है सिम्टम्स उसमें फील करना या परसीव करना ठीक है तो सिम्टम्स को वो परसीव कर लेता है और उस उसमें कुछ भी जैसे फिजिकल चेंजेस आते हैं उनको परसीव कर लेता है जैसे कि पेन होना स्टार्ट हो जाए हो जाएगा उसको या फिर रेसेस होंगे ठीक है तो ऐसे में क्या होता है वो हो, उसको थोड़ा फील होना स्टार्ट हो जाता है कि उसको उसके हेल्थ में मतलब वो इलनेस की तरफ जा रहा है और इस स्टेज की एंड होते होते वो मतलब जो इलनेस के जो सिम्टम्स आ रहे हैं उनके लिए डिसीजन लेने में एबल हो जाता है कि मतलब मुझे सिकनेस है कि नहीं है ठीक है

उसको जो मतलब तो क्लाइंट को क्लाइंट को ये पता चल जाता है कि वो सीकर सिक्र सिख है ठीक है तो अज्यूम सिक्रोल एंड सिक कंफर्मेशन फ्रॉम फैमिली मतलब फैमिली से भी उसके सिम्टम्स देख के मतलब उसकी फैमिली उसे आस उस पड़ोस वाले भी उसको बता देंगे कि भाई आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है आप सिक दिखाई दे रहे हो तो पर वो स्टार्टिंग में क्या करता है कि अपने मतलब अगर उसको सिकनेस है थोड़ी बहुत तो उसको इग्नोर करेगा ठीक है एक्सक्यूज करेगा और अपना जो नॉर्मल रूटीन है नॉर्मल ड्यूटी है ठीक है उसको वो कंटिन्यूस रखने की कोशिश करता है थीके? तो जो सिक्रोल है उसके एज्शन का क्या रिजल्ट निकल निकलता है जैसे कि वो इमोशनल चेंजेस हो जाएंगे उसमें कुछ जैसे विदड्रोल डिप्रेशन मतलब पहले तो वो इनकार करेगा कि उसको डिजीज नहीं है फिर उसमें थोड़ा थोड़ा डिप्रेशन आना स्टार्ट हो जाएगा इलनेस के कारण उसके बाद में उसका फिजिकली चेंजेस दिखना स्टार्ट हो जाएगा ठीक है उसके बाद में लास्ट में क्या करता है तो पर्सन होता है वो डिले या फिर डिले द कांटेक्ट विद हेल्थ केयर सिस्टम मतलब वो हॉस्पिटल में या फिर हेल्थ केयर प्रोवाइडर डॉक्टर के पास जाने के लिए या तो मना करेगा या फिर यूं बोलेगा कि बाद में जाऊँगा ठीक है तो वो ऐसे कर सकता है देन थर्ड स्टेज अब थर्ड स्टेज क्या आती है मेडिकल केयर कांटेक्ट एट दिस स्टेज द क्लाइंट नॉलेज द इलनेस एंड सिक्स एक्सप्लेनेशन ऑफ ड्यूरेशन एंड इलनेस इट्स कॉम्प्लिकेशन मतलब इस इस स्टेज में क्या होता है जो तो पेशेंट है उसको अपनी इलनेस के बारे में पूरी नॉलेज हो जाती है ठीक है मतलब उसके कॉजेज मतलब क्या इलनेस है क्या कॉजेज है क्या ड्यूरेशन है और इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं उस सब के बारे में उसको नॉलेज हो जाती है ठीक है और हेल्थ केयर प्रोफेशन जो या डॉक्टर वगैरह जो होते हैं वो डिटरमाइन कर लेते हैं कि हेल्थ मतलब क्लाइंट इल है कि नहीं है आफ्टर नोइंग अबाउट इलनेस सम क्लाइंट सीख मेडिकल ट्रीटमेंट ठीक है और मतलब जो इल उसकी इलनेस का पता लगने के बाद में क्लाइंट्स जो होते हैं वो मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के लिए तैयार होते हैं बट समाइम्स दे स्टार्ट डिनिंग द सिम्टम्स पर कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जो जो सिम्टम्स को मतलब डिने करते हैं फिर भी वो इनकार करते हैं कि हमें ऐसा कुछ नहीं है स्टेज फोर में है डिपेंडेंट स्टेज आफ्टर एक्सेप्टिंग द डायग्नोसिस क्लाइंट बिकम डिपेंड अपॉन हेल्थ केयर प्रोफेशनल टू गेट ट्रीटमेंट ठीक है इसमें इलनेस डायग्नोस होने के बाद में जो क्लाइंट है वो डिपेंड हो जाता है ठीक है ट्रीटमेंट लेने के लिए हेयर द क्लाइंट एक्सेप्ट द केयर सिंपेथी प्रोटेक्शन फ्रॉम द डिमांड एंड स्ट्रेस ऑफ लाइफ ठीक है तो इस स्टेज में लास्ट में जाते जाते क्या होता है कि क्लाइंट एक्सेप्ट कर लेता है केयर को सिंपेथी को प्रोटेक्शन को ठीक है जो उससे जो उसको मिलती है हेल्थ केयर प्रोफेशनल से या उसकी फैमिली से जो मिलती है उसको वो एक्सेप्ट कर लेता है दैन स्टेज फाइव रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन दिस इज़ द स्टेज वेयर द सिमटम्स ऑफ इलनेस गेट सबसाइडिंग ठीक है इस स्टेज में आते आते क्या होता है कि पेशेंट रिकवर होना इस्टार्ट हो जाता है और उसके जो इलनेस के सिम्टम्स हैं वो भी सबसाइड होना इस्टार्ट हो जाते हैं ठीक है और जो उसकी औरिजिनल हेल्थ थी जो उसकी पहले नॉर्मल हेल्थ थी ठीक है उसको वो उसको वो धीरे धीरे

मतलब क्रोनिक इलनेस है जो ठीक नहीं हो पा रही है तो उसके साथ में वो फाइनल स्टेज में एडजस्ट करता है ठीक है प्रोलॉन्ग रिडक्शन इन हेल्थ एंड फंक्शनिंग मतलब जो हेल्थ और फंक्शनिंग जो उसके रिडक्शन में रिडक्शन रिडक्ट हो रही है तो उसके साथ वो एडजस्ट कर लेता है